वरुण अपनी फिल्म का प्रमोशन तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ वो एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसे सुनकर उन लोगों को ज्यादा खुशी मिलेगी जिनका कढ़ाई और बुनाई दोनों में मन लगा रहता है। अब वो अपने हुनर को अपने पास नहीं रखेंगे बल्कि उसे घर घर तक पहुंचाएंगे। तो चलें और देखें कि क्या है पूरी कहानी। सुई धागा का प्रमोशन हर तरफ चल रहा है क्योंकि फिल्म को सिनेमा तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। मौजी और उनकी वाइफ यानी अनुष्का और वरुण दोनों फिल्म को प्रमोट करने में लगे हुए हैं, लेकिन इस बार फिल्म के साथ साथ कुछ और भी बहुत खास हुआ है। या किसी कारीगर ने बनाई हुई एक अनोखी चीज, पर इन कारीगरों को वो नहीं मिलता जो उन्हें मिलना चाहिए। हुआ ये है कि फिल्म में जो टेलरों की कारीगरी को दिखाया गया है उसको और भी ज्यादा बढ़ावा दिया गया है। वरुण और अनुष्का दोनों ही एक वेबसाइट लेकर आए हैं, यानी कि दोनों ने एक वेबसाइट को लॉन्च किया है। एंड दिस वेबसाइट इज www.suidhaga.co.in। वी हैव कम हियर टू लॉन्च अ वेबसाइट कॉल्ड suidhaga.co.in व्हिच सेलिब्रेट्स फेयर ट्रेड, व्हिच सेलिब्रेट्स इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट फ्रॉम अक्रॉस आवर कंट्री। I think it's a cause very close to our heart क्योंकि सुई धागा की जो फिल्म है it's associated very closely with this। इस फिल्म के जरिए कारीगरों की कारीगरी सामने आने वाली है कि हमारे देश में कितना हुनर है। इसी हुनर को बढ़ावा देने के लिए वेबसाइट लॉन्च की गई है जिसके जरिए कंज्यूमर्स इस वेबसाइट पे आएंगे और अपनी मनपसंद चीज उठाकर ले जाएंगे। एंड ये है किसके लिए, आपको ये समझना बहुत जरूरी है। ये कंज्यूमर्स के लिए है, खरीदने के लिए। तो जो शहर में, देम टू बाय, शहर में जो लोग हैं जो बहुत दाम देते हैं, जो बेचने वाले हैं वो लेके आएंगे, जो बेचना चाह रहे हैं उनको वो लेके आएंगे, और जो खरीदने वाले हैं वो ये वेबसाइट पे आएंगे। वेबसाइट लॉन्चिंग के साथ साथ फिल्म के बारे में ढेरों बातें हुई, जिसमें अनुष्का के मजाक बनाने वाले मीम्स के बारे में भी बहुत सी बातें हुई। लेकिन अपनी मजाक बन जाने को अनुष्का ने गुस्से में नहीं लिया बल्कि पॉजिटिव लिया। वो कहते हैं कि मुझे तो खुद इतनी हंसी आती है और मैं बहुत खुश होती हूँ कि ये इतनी तेजी से लोगों के बीच में फैल रहा है। I found them hilarious, yeah. Because I think ये बहुत ही organically अगर कोई चीज़ ऐसे होती है तो इसका मतलब ये है कि trailer इतना widely spread हुआ है तभी लोग इसके बारे में इतना बात कर रहे हैं। And it takes a lot of effort to kind of create like the video game and stuff that Mario वाला game. So दो दिन के बाद तो मैं ही वरुण को भेजी जा रही थी। I think I was spamming him because I was sending him so many. ये देखा। रोज एक कोई नया वाला आ जाता, कुछ आ रहा था। एक competition चल रहा था कि who can beat the which is your favorite one, but Mario. वो झंडे पे भी आ जाती है बाहर। जीतने के बाद। But I think it's a huge compliment. I take it as a huge compliment. I think that वो इतनी ज़्यादा realistic है picture, वो characters इतने ज़्यादा real लग रहे हैं that you can actually make a meme on that. Usually that's when it happens, when something seems like so un, like you know, far removed from Anushka that you can make actually a joke on a character or an entity. So I take it as a huge compliment. And and I'm just like we were talking about how when such things happen in a humorous way, when such things happen, it goes on to show kitni deeply hamara trailer ki reach hui hai. You know, and I think we take it as a great plus point. चंदेरी की साड़ियाँ बहुत फेमस हैं। स्त्री फिल्म में भी चंदेरी की साड़ियों को बहुत बढ़ावा दिया गया है। इस फिल्म की शूटिंग भी चंदेरी में हुई है, वहाँ से दोनों ने साड़ियाँ भी खरीदी हैं। वहाँ के कारीगरों का नंबर भी लोगों को दिया है जिससे वो जाएं और अपनी मनपसंद साड़ियाँ खरीद कर ज़रूर आएँ। लेकिन इस वेबसाइट के जरिए कारीगरों को एक अलग बढ़ावा दिया गया, यानी ऑडियंस तक पहुंचने का एक प्लेटफॉर्म दिया गया है। वेबसाइट लॉन्चिंग में आर्टिसंस भी आए और फेयर ट्रेड के जरिए अपने चैलेंजेस भी शेयर किए। मेरा काम पेच वर्क का है और एम्ब्रॉयडरी करती हूँ, पर मुझे उसका दाम नहीं मिलता। जो मार्केट में चीज़ें बिकती है वो फटाफट बिक जाती है, लेकिन मैं ये काम अच्छा से डिजाइन से और फिनिशिंग से करती हूँ। उसको बनाने में 4 दिन लग जाते हैं, फिर भी लोग मुझे उसके दाम पैसे नहीं देते और मार्केट में उसका दाम दे देते हैं फटाफट। मुझे भी वो दाम चाहिए जिससे मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकूँ, आपकी तरह इंग्लिश मीडियम में भी
रख सकती हूँ, वो सरकारी स्कूल में ना जाए, आपकी तरह फटाफट इंग्लिश बोल सके। इसलिए मैं यहाँ आई हूँ आप सबसे कहने कि आप लोग जो हाथ से काम करें उस बहनों को भी बढ़ावा दो कि वो आगे बढ़े और काम करे। मशीन वालों को मत दो ऐसा काम। फेयर ट्रेड की प्रेसिडेंट इल्तिया मल्लिकार्जुन, इन्होंने भी सुई धागा के इस स्टेप को बहुत अप्रिशिएट किया। सुई धागा से स्वावलंबन की ये जर्नी आज वरुण और अनुष्का के रूप में 20 करोड़ इस देश के फेसलेस इंडिविजुअल्स को फेसेस मिल गए, एक टेलर के नाते, एक एम्ब्रॉयडर के नाते। मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, इस देश में लगभग 20 करोड़ लोग इस कारोबार में लगते हैं। अभी तक इनके बारे में चिंताएँ बहुत कम होती थी। अब पहली बार एक ऐसा फिल्म आया जिसे हम लोग बहुत एक्साइटेड है कि जिसमें इस इनफॉर्मल सेक्टर देश को, देश में इतना स्वावलंबन की तरफ जा रहे हैं, उसको उसके लिए सहयोग करते हैं। वेबसाइट लॉन्चिंग में सुई धागा मेड इन इंडिया के जरिए दोनों ने दिखाई वेबसाइट की पहली झलक। कारीगरों को वही मिले जिसके वो हकदार है। लॉग ऑन टू www.suidhaga.co.in एंड गिव दिस आर्टिस्ट्स अ फेयर चांस। और सिर्फ यही नहीं, गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया यानी गणेश चतुर्थी मनाने से पहले ग्रीन गणेशा इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए सुई धागा के स्टार्स पहुंचे थे लॉन्च ऑफ टाइम्स ग्रीन गणेशा एट ओबेरॉय मॉल। यहां पहुंचकर दोनों ने किया देवाश्री गणेशा देवाश्री गणेशा। यहाँ पर दोनों ने दीपक को प्रज्वलित करके एक हाथ में बप्पा और दूसरे हाथ में प्लांट को लेकर ये बताने की कोशिश की थी कि फुल्ली सेलिब्रेट दिस गणेश चतुर्थी लेकिन विदाउट पॉल्यूशन, यानी गणेश चतुर्थी मनाओ लेकिन पॉल्यूशन मत फैलाओ, थोड़ा एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखो और इंसानों की जून में चतुर्थी को मनाओ। ये बहुत अच्छी चीज़ है आप लोग जो कर रहे हैं, इको फ्रेंडली गणेशा, हम लोग ने इसके बारे में काफ़ी बार बात करी है। आई एम श्योर हम सब लोग बहुत रिस्पॉन्सिबली फील करते हैं इस चीज़ के बारे में, एंड हमारा ये एनवायरनमेंट है, हम ही को उसका देख रेख करनी है जिससे आगे जाके हमारी जो पीढ़ियाँ आने वाली हैं उनको उससे मदद मिले। तो ऑफकोर्स गणपति सब लोग धूमधाम से मनाए और बहुत मज़े से मनाए, बट केयरफुली भी मनाए एंड एनवायरनमेंट को ध्यान रख के मनाए, तो आई थिंक सब लोगों के लिए अच्छा होगा। मनोरंजन होना चाहिए, तो जितने भी मम्मी डैडी अंकल आंटी बच्चे सब सुन रहे हैं, एक चीज ध्यान में रखना है कि हमको एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करना है बस। गणेश चतुर्थी को इको फ्रेंडली बनाने के लिए दोनों ने सभी से उसी तरह से इल्तिजा की थी जिस तरह से दिवाली पे सभी करते हैं कि इस दिवाली नो पटाखे। लेकिन बिन पटाखे दिवाली किसके घर में मनी है उनकी लिस्ट हम तक अभी तक पहुंची नहीं है। एनवायरमेंट को लेकर वरुण से भी कुछ गलतियां हुई हैं जिसे उन्होंने कबूल भी किया है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा कि अब ऐसा नहीं होता है क्योंकि अब वो जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं कि एनवायरमेंट नाम की जो चीज होती है पीएम मोदी उसी पे तो इतना जोर देते हैं, यानी स्वच्छ भारत अभियान, तो इसी वजह से वरुण भी अब हल्का हाथ रखते हैं। और कई बार मैंने भी, मतलब जो नॉर्मल आइडल्स है वो मैंने भी इमर्स किया है, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट, आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज टू मदर नेचर फॉर दैट। बट नाउ अब जब मुझे नॉलेज है, हर साल इको फ्रेंडली गणपति सेलिब्रेट करते हैं हम लोग और हम सबको करना चाहिए, तो क्या ये साल आप लोग इको फ्रेंडली गणपति अपनाएंगे? इट्स ओनली गुड फॉर द एनवायरनमेंट, भारत के लिए अच्छा होगा, आप लोग के लिए अच्छा होगा, हम सब के लिए अच्छा होगा। तो सब लोग मेरे साथ कहिए सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। हाँ हाँ, तो ऐसे कहते हैं जैसे वचन की कतई लाज रख लेंगे, जैसे हमें तो पता ही नहीं है कि ज्ञान की बातों की पुड़िया ये सारे के सारे यहीं छोड़ के चलते बनेंगे हैं। हाँ बोलते हैं। यहाँ पहुंचकर वरुण और अनुष्का ने एक पंथ दो काज किए, इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट को बढ़ावा दिया और अपनी फिल्म को प्रमोट भी किया। अभी सुई धागा की बात करें तो मतलब मैं जो पहन रहा हूँ ये भी सुई धागा से ही बना हुआ है, हम सब जो पहन रहे तो फिल्म की प्रमोशन करने की जरूरत नहीं है, जो कपड़े जो वस्त्र आप सब पहन रहे उससे फिल्म की प्रमोशन हो रही है क्योंकि आप ने जो पहना है वो सुई धागा से ही बना है। यहाँ पर सुई धागा का ट्रेलर भी लोगों को दिखाया गया और थोड़ा थोड़ा अपनी अपनी फिल्म के बारे में भी बताया गया, अपने अपने कैरेक्टर्स के बारे में भी बताया गया। और इन सब के बाद अनुष्का को मिला एप्रिसिएशन, वो क्यों? क्योंकि वो ठीक नहीं है लेकिन फिर भी अपनी फिल्म को प्रमोट कर रही है, मतलब मना नहीं कर रही है किसी भी काम के लिए,
अगर प्रमोशन है, काम है, तो चलो भाई, दिस इज कॉल्ड कर्मठ कर्मचारी। प्रेस के जितने भी लोग हैं यहाँ पे और जितने भी लोग देख रहे हैं, हम लोग, हमारे काफी प्रमोशन रहते हैं एक्टर के तौर पे, बट पहली बार मैंने देखा ये कि मैं एक ऐसे अभिनेता के साथ काम कर रहा हूँ। इनको बहुत बुरी तरह चोट लगी है पीठ पे, बट ये किसी भी चीज के लिए ना नहीं कहती है। इट वॉज प्रीटी बैड हर इंजरी, बट ये रोज आ रही है, शी इज रियली पार्ट टेकिंग, सो बिग हैंड फॉर अनुष्का शर्मा फॉर दैट। सो फिल्म 28 ऑफ सितंबर को रिलीज हो रही है, कारीगरों की कारीगरी जरूर देखिएगा। कंचन शर्मा, एंटरटेनमेंट डेस्क, जनतंत्र टीवी।